बी एड काउंसलिंग की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग कॉलेज प्रेफरेंस डेट है 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक। कॉलेज जो आपको अलॉट करे जाएंगे वो 18 सितंबर को। और कंफर्मेशन ऑफ सीट, अगर आप सीट आपको कॉलेज आपको पसंद है तो उसके लिए आपको 3000 पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तारीख भी 19 से 25 तारीख तक है। और पेपर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपका जो सर्टिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेट उसका वेरिफिकेशन जो होगा 22 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच होगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे हम अपना CML रैंक देख सकते हैं। तो आपको जाना है ललित मिथिला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, क्योंकि ये ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसको कंडक्ट कराने का होस्टिंग का ठेका दिया गया है। तो इसके हम लोग होम पे गए, होम पे जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, यहाँ लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे पूछेगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो कि आप ऑलरेडी जानते नहीं जानते तो आप फॉरगेट करके फिर से ले सकते हैं। अब यहाँ पे अपना कैप्चा डालेंगे जो कि सिक्योरिटी है, यहाँ डालने के बाद अपना लॉगिन रजिस्टर यूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक छात्र जयशंकर आनंद नाम है जो कि जनरल कास्ट से हैं और इनका रैंक जो है CML 45 है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये CML रैंक आप डाउनलोड करके रख भी सकते हैं, आपको काम देगा। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने होंगे। पहला तो आपको आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको बीएड करना है आपका कॉलेज से एफिलेटेड रहेगा। उसके बाद आप जो है 12 कॉलेज ही उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है टोटल सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आप कोई भी अपने प्रेफरेंस से मल्टीपल यूनिवर्सिटी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रीशेट सेट करने का ऑप्शन है, जो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आपको रेड कलर में दिखेगा, लाल रंग में, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ब्लू कलर में और एफिलेटेड कॉलेज ग्रीन कलर में। ये उसके इंस्ट्रक्शन है, आप भरने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लें। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर सिलेक्शन जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एडमिशन के लिए हैं। यहाँ पे आप देखिए जो यूनिवर्सिटी जो अच्छे हैं वो है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, ललित मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। और बाकी हम बात करेंगे जयप्रकाश छपरा का या भी कुंवर यूनिवर्सिटी का, ये ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ चोरी होते हैं। इस यूनिवर्सिटी की मतलब उतनी कोई खास जो होते हैं ना कि आप जब पास हो गएगा तो इनकी यूनिवर्सिटी की उतनी इज्जत नहीं है। तो ये आपका प्रोसेस, आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप आर्यभट्ट सेलेक्ट किया, पाटलिपुत्रा, पटना यूनिवर्सिटी, ललित मिथिला, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप कन्फर्म सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी में जाइए प्रोसेस में, वहाँ फिर इस टाइप से आएगा। और इसके अंतर्गत आपको डिफरेंट कॉलेजेस जो मिलेंगे वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप फाइनल सबमिट मतलब कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले अगर आपको चेंजेस करना है तो कुछ रिसेंट यूनिवर्सिटी जाकर आप यूनिवर्सिटी चेंज करके फिर से कॉलेज जो है अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका रैंकिंग 86-90 से कम है तो मैं सजेशन दूंगा आप बिल्कुल ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मत लीजिए, वेट कर लीजिए, इमरजेंसी कुछ नहीं है, और अगले साल फिर से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा रैंकिंग लाके जो कि आपका बीएड जो है 25,000 से लेकर 40,000 तक में हो जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज से, आप क्यों 1.5 लाख रुपया पे कीजिएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, जो कि एक तरह से सरकार का ये धंधा ही है कि आप जब पास आउट होइएगा तो एक सर्टिफिकेट दे देगा, जॉब आपको ढूंढना है एग्ज़ाम CTET या STET क्वालिफाई करके। तो बेटर होगा आपका कम मार्क्स है 90 से नीचे तो आप एडमिशन ना लें और मेहनत करें और अगले बार अच्छा एग्ज़ाम लाएं, क्योंकि बीएड के क्वेश्चन पेपर उतने टफ नहीं हैं। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन होगा आपको तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9654045686।